ओ भाई ने बहुत अच्छी तैयार कराई हुई है, आप देख सकते हो यार, बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो सब चीज हम दिखाएंगे कि क्या क्या करवाया हुआ है भाई। वाइपर वाइपर सब हिल रहे हैं ना भाई इसके। हाँ तो भाई। तो ये देखो भाई, अपने दो बूफर लगे हुए हैं और भाई ये मिरर कहाँ गया, बेस चट गया क्या, कैसे 8-9 की एवरेज इतनी कम। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया होगे और मस्त होगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि यार अपने चैनल पे पहली बार भाई रीट्स आने वाली है, आने के वाली आई गई है, तो सब चीज आपको दिखाने वाले हैं। अलॉय व्हील्स और बहुत ही तगड़े लगाए हुए भाई ने, सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा करा हुआ है क्योंकि भाई बंदे ना रीट्स को बहुत ही कम मॉडिफाइड कराते और बहुत कम हैवी दिल्ली वगैरह अपने आसपास के इलाकों में। भाई ने क्या क्या काम कराया हुआ है, अलॉय व्हील्स कितने इंचेस है, सब चीज दिखाने वाले हैं। भाई का इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यूजर नेम स्क्रीन पर आ ही रहा होगा। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। तो गाइस आज की वीडियो हमारे साथ है आकाश भाई। तो भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। भाई गाड़ी तो यार क्या बताऊं, एक नंबर बनाई क्योंकि रीट्स यार बहुत कम देखने को मिलती है रोड। ओ भाई ने बहुत अच्छी तैयार कराई हुई है, आप देख सकते हो यार, बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो सब चीज हम दिखाएंगे क्या क्या करवाया हुआ है। भाई सबसे पहले ये बताओ मॉडल कौन सा अपनी कार का? मॉडल 2009 पेट्रोल। तो भाई अभी मेरे हिसाब से कुछ ही दिन महीने महीने रह रहे होंगे या साल। बस भाई और भाई फ्रंट से दिखाते हैं। सबसे पहले भाई फ्रंट की लुक देखो भाई, कार की बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है और मेरे हिसाब से भाई फ्रंट से सब चीज स्टॉक है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो फ्रंट से भाई सब चीज स्टॉक है, लाइट वगैरह सब चीज स्टॉक है, बहुत ही अच्छी मेंटेन करी हुई भाई ने अगर दिखाना चाहूँ। और पीछे भी दिखाऊँ तो भाई एज इट इज स्टॉक है, बस बैजिंग अपनी रीट्स की हटी हुई है और पीछे अपना भाई मफलर लगा हुआ है ना। तो ये देख सकते हो अपना भाई मफलर लगा हुआ है, रिफ्लेक्टर कुछ नहीं है। तो मतलब ऐसे सिंपल और बहुत ही डिसेंट बनाई हुई है, सिस्टम वगैरह में अच्छा काम करा हुआ है भाई ने। तो मेन चीज़ आते हैं भाई अपने अलॉय व्हील्स पर। तो ये देख सकते हो 205/40R18। तो भाई अपने 18 इंच के भाई ने भाई अपने अलॉय व्हील डलवाए हुए हैं। तो भाई अड़ने वड़ने में कोई दिक्कत है भाई? नहीं भाई कोई नहीं, बस ऐसे बहुत प्यारी परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, तो भाई दिखाऊं तो भाई ये देख सकते हो, तो भाई अपने चाइनीज टायर है, चाइनीज ही अलॉय है ना जी भाई। तो भाई क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ गई थी इनकी? भाई मैंने सेकंड हैंड लिए थे, काफी टाइम हो गया मुझे। अच्छा अच्छा, उस टाइम 45,000 रुपए के लिए थे। सेकंड हैंड जी भाई? सेकंड हैंड इतने महंगे भाई? हाँ जी, टायर सही थे, फ्रेंड के थे भाई ये। अच्छा अच्छा, तो भाई ये देख सकते हो बहुत ही अच्छा काम करा हुआ है भाई ने। और भाई एवरेज वगैरह की बात करूँ तो भाई क्या दे रही है? 8-9 का एवरेज है भाई। 8-9 की एवरेज इतनी कम? और भाई आते कितने इसने कंपनी? शायद 15-14 के आसपास आते हैं। 14 इंच। तो भाई कुछ लिफ्ट विफ्ट भी करा रही है कैसे? नहीं भाई एज इट इज जैसे रहती है अपनी। तो भाई ये देख सकते हो अलॉय बहुत ही प्यारे लग रहे हैं कसम से। तो भाई अब आपको इंटीरियर में दिखाते हैं। तो भाई सबसे पहले बूट से स्टार्ट कर लेंगे, सिस्टम वगैरह लगवाया हुआ है भाई ने, तो आपको दिखाते हैं। तो ये देखो भाई अपने दो बूफर लगे हुए हैं, 1250 और 1300। तो अपना 1300 वॉट है और 1250 वॉट है, प्रॉपर बढ़िया भाई। ट्यून्ड पेटी कैसी है भाई ये? भाई ये बनवाई थी मैंने। अच्छा, तो पर्सनली? अच्छा, जो वो दूसरे आते ना फायरो वाले आते, देखो आप हार्ड में। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हो। और पीछे अपने भाई दो ओवर लगे हुए हैं JBL के। तो भाई अंदर आ जाओ, अंदर दिखाते क्या काम कराया हुआ है।
तो भाई जैसे अपने ग्लास टिंटेड हैं, तो भाई ये सारी चीज़ ना रिकमेंड नहीं करता, कहीं भाई की देखा देखी में करवाने लगे और भाई ने अपना एंड्रॉइड स्टीरियो वगैरह अपना लगाया हुआ है। तो भाई थोड़ा गाड़ी पीछे कर लेते हैं अपने पहले, फिर आपको सिस्टम वगैरह सारी चीज़ सुनाते हैं। तो भाई डोर में अपने कौन सा क्या स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं? कंपोनेंट लगे पड़े, कौन से भाई? JBL के कंपोनेंट, JBL के अपने कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो भाई पीछे भी ऑप्शन आता है इसमें? नहीं आता। हाँ पीछे ऑप्शन है, बट अभी मैं काम कराऊंगा, करोल बाग जाऊंगा। अच्छा, अच्छा। परसों में इसे लेके। अच्छा तो भाई अपना सिस्टम वगैरह सुनाते हैं और इंटीरियर देखो भाई कुछ इस तरीके का आता था उस टाइम पे। तो बेसिक सा अपना इंटीरियर है, जैसा अपनी पहले वाली स्विफ्ट में जो सबसे पहले आई थी शायद उसका उस टाइप का स्टीयरिंग है इसके अंदर, है ना भाई? तो पीछे दिखाऊं तो भाई इतना स्पेस वगैरह रहता है इसके अंदर। और भाई ये मिरर कहाँ गया? बेस से हट गया क्या? कैसे? नहीं ये टूट गया था भाई। अच्छा अच्छा तो टूट गया था भाई, ये देख सकते हो। तो अब आपको भाई आउटपुट सुनाने वाले हैं। तो भाई ईयरफोन वगैरह जो लगा ले, आउटपुट बहुत ही ज्यादा तगड़ी आने वाली है। तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं अब। कुछ पता नहीं है। तो भाई ये बताओ सिस्टम अपना कितने का होगा भाई? सिस्टम भाई 32,000 रुपए लगेगा सिस्टम में अपना एम्प वगैरह सब चीज लगा के सब कंपोनेंट वगैरह सब। तो भाई अगर टोटल पूछूं तो भाई कितना लगा दोगे पूरी गाड़ी में भाई? 85,000 के आसपास में। 85 के करीब। तो भाई बिल्कुल आपको ऐसे ही बताया कि भाई 90,000 से 85,000 के आसपास लगाया हुआ है। तो भाई मतलब वर्थ लगा लगाना कि हाँ भाई इतने पैसे लगा, मजा आ गया पूरा? मजा आ गया भाई, सब देखते हैं मतलब। हाँ तो एक तो भाई रेट्स तो रेयर हो चुके हैं, अगर रोड पे चलते तो भाई मैं तो अभी तक दिखाऊं तो भाई मैंने पहली देखी है अपने आसपास के इलाके में, और मतलब कि जितना मैं घूमता हूँ तो मैंने तो भाई पहली देखी है ऐसी रेट्स। तो और भाई ये बताओ कि अब टोटल आपने बता दे सब चीज बता दे, तो भाई इंस्टाग्राम आईडी क्या रहने वाली अपनी? अक्कू 0047। तो भाई स्क्रीन पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके फॉलो करो, रील वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर यहाँ तक वीडियो देख लेते तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।